एवरीवन कैसे हैं सब। मैं आपका अपना मृदुल रतन आज दूसरे ब्लॉग में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं दूसरे ब्लॉग में मे भी कहीं ना कहीं मैं ट्रैकिंग या हाइकिंग पे जाऊं, तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पे जा रहा हूं जो कि वाइट साइड माउंटेन है। देखता हूं, वेदर अभी थोड़ा सा ख़राब है, बारिश हो रही है कल रात से काफ़ी ज़्यादा। अगर मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है या थोड़ा रिस्की हो सकता है तो आई वॉन्ट डू इट, और मैं फिर किसी और दूसरे हाइकिंग या वाटरफॉल ट्रेल पर चलता हूँ। जैसा भी रहता है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, हाइलैंड्स का एलिवेशन 4500 समथिंग है, बट यहाँ की रोड्स ए क्लास है। रोड्स में तो मतलब कुछ है ही नहीं भाई, कंपैरिजन ही नहीं है रोड्स से तो इसका, हिमालयस से। हिमालयस की जो रोड्स हैं भाई वो तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स हैं भाई वर्ल्ड की। खैर बढ़ रहे हैं। जब मैं घर से चल रहा था तो मेरे को दिखाया था 22 मिनट्स है वाइट साइड माउंटेन ट्रेल। मेरे को लगा मेरे को रास्ता पता है, मैंने विदाउट मैप्स लगाए चल दिया। मैं जा रहा हूँ 40 मिनट्स दिखाने लग गया भाई। मैंने कहा यार गलत ही डायरेक्शन में आ गया पूरा, अब वापस पूरा ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ माउंटेन के, बिल्कुल ही रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया यार। मैं बाहर से नीचे उतर गया, जहाँ मैं रहता हूँ उससे नीचे उतर गया। मैंने कहा यार देखो याद है भाई रास्ता ऐसा तो था नहीं, तो वापस ऊपर ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ भाई। ये देखो यहाँ का व्यू, ये यहाँ पे एक फॉल है वैसे ही छोटा सा। तो अभी जब हम यहाँ से जाते हैं ना हाइलैंड्स में, जब घूमते हैं तो यहाँ पे काफी सारे प्राइवेट लेक्स हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तो लोगों ने यहाँ पे प्राइवेटली ओन कर रखे हैं वो, तो उन्हीं में से एक ये है। यहाँ पे लेक नहीं बोल सकते, स्ट्रीम टाइप है, काफी काफी खूबसूरत है। वो वहाँ पे कुछ घर है ऐसे छोटे छोटे, उन्होंने वो बना रखे अपने, ये यहीं पे साथ में ही दो घर हैं यहाँ पे। तो जस्ट अभी पहुंचा हूं मैं यहाँ पे वाइट साइड माउंटेन की पार्किंग में। अभी यहाँ से ट्रैक शुरू होगा, लाइक 20-30 मिनट्स का ट्रैक है, मोर लाइक अ हाइकिंग समथिंग। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। अमेरिका में ट्रैफिक लाइट्स की बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या हिसाब है, रेड लाइट पे आप राइट ले सकते हो, कभी भी कहीं भी रेड लाइट हो आप हमेशा राइट ले सकते हो। अपन को गाजियाबाद की आदत, पहली बात तो रेड लाइट है नहीं वहाँ पे, अगर रेड लाइट है तो फॉलो नहीं करते, तो कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस यही है कि कई बार सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है जो हमारे सामने चला रहा है, कि बंदा करना क्या चाह रहा है उसे भी समझ नहीं आता। तो जस्ट अभी एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पे आया हूँ मैं, और ये व्यू है, नीचे चलता हूँ रुको। बहुत ज़्यादा स्वैम्पी है यार, फिसलन नहीं है, इट्स नॉट स्लिपरी बट स्वैम्पी बहुत ज़्यादा।
मन कर रहा है चिल्लाऊं बहुत जोर से, पर चिल्लाऊं क्या समझ नहीं आ रहा चिल्लाऊं क्या, बट मन बहुत कर रहा है चिल्लाऊं कुछ भी। नेचर नेचर है यार, कुछ भी हो ना नेचर में आके बैठ जाओ। चलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि अपनी मंजिल तो बहुत दूर है, यहाँ पे थोड़ा रुकना अपने को। यही होता है अगर मैं किसी के साथ ना आऊँ ना, अब कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है। तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये जा रहा है, एक ये है, और एक यहाँ नीचे से जा रहा है, वो देखो नीचे से। मैं कौन से रास्ते जाऊँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, सीधा ही चलता हूँ। चलो जिस जगह में मैं रहता हूँ ना यहाँ हाईलैंड्स में, यहाँ पे नेचर बेस्ट है। हाईलैंड्स एक रेन फॉरेस्ट है, और जून का महीना, जून ख़त्म होने वाला है, इस लाइक एंड हो गया इसका, बट कभी ठंड कभी गर्मी कभी बारिश, और इतने सारे वाटरफॉल्स, इतनी सारी हाइकिंग्स हैं यहाँ पे, नेचर बेस्ट है यार। कभी किसी कुछ भी एनजाइटी है, हेडेक है, स्ट्रेस हो रहा है ना, नेचर में आके बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस ऑब्जर्व करो नेचर को, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैं सोचता था कि यार मैं ऐसा करूँगा करूँगा करूँगा, कभी मौका ही नहीं मिलता था। तो आज अकेला था, हिमांशु काम पे ऑफ था मेरा। चलो भाई निकलते हैं, गाड़ी निकाली, चल रहे हैं वाइट साइड माउंटेन। हो सके ना तो जब भी मेरा ऑफ होता है, इट्स नॉट लाइक वीकेंड पर ही ऑफ होता है, कभी भी दे देते हैं, तो जब भी ऑफ होगा मैं कोशिश करूँगा एक या दो वाटरफॉल करने की ही करने की, कुछ भी हो करना ही करना। और भले मैंने वो कर रखा हो, मैं फिर भी करूँगा उसे। तो अभी यहाँ से व्यू देखो, इस लाइक बस वहाँ तक थोड़ी सी क्लिफ है, उसके बाद सीधा नीचे है, यहाँ से पूरा हाईलैंड्स दिखता है, बट वेदर ऐसा तो कुछ देख नहीं पा रहे हो। खैर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि वेदर ऐसा है। मैं आता नहीं, कंफर्म नहीं था मेरा आने का, बट दी ओनली रीज़न मैं आया क्योंकि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बोला हुआ था कि दूसरे ब्लॉग में पक्का किसी ट्रैकिंग या वाटरफॉल पर जाऊँगा, तो बस इसलिए करा मैंने ये, वरना मैं करता नहीं। कि यार YouTube पे वीडियो डालनी है, कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, कंटेंट पता नहीं क्या ही बोलते हैं, तो दैट्स दी ओनली रीज़न मैं आया हूँ यहाँ पे, वरना कहाँ भाई चार घंटे की नींद करके, वो भी ऑफ वाले दिन मैं सिर्फ वाटरफॉल पे जाऊँगा, हाइकिंग पे जाऊँगा। बस ये माउंटेन की पीक है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पीक है, मेरे को ना जब मैं कॉलेज में था लवली में, तो अपने दोस्त के साथ मैं ऐसे ही रातों रात निकल जाते थे भाई हम किसी ना किसी ट्रैक पे, हाइक पे ना। तो मेरे को याद है जो पहला ट्रैक मैंने अपने दोस्तों के साथ किया था वो था त्रिगुण। तो अपना जो दोस्त है एक हिमांशु, रात को बैठे हुए थे ऐसे सारे
बोलता है कि चलो पीछे वनक्कम एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर घूम के आते हैं, भूख लगी थी सबको, तो कहा चलो ठीक है चल रहे हैं। गाड़ी निकाली, नींद आ रही थी, लाइक आधे घंटे का रास्ता था वनक्कम का, तो सबको नींद आ रही थी, सब सो गए। मैं बैठा था फ्रंट सीट पे, मैं, शोभित, हिमांशु, हर्ष, अंकित, अपन चार पांच जने। कब कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला यार। सुबह उठ रहे हैं, हिमाचल पहुँचे हुए हैं, त्रिकुण ट्रैक करने की बात चल रही है, पूरी वही वाइब आ रही है। बस ये कि अभी मैं अकेला हूँ यहाँ पे, क्या ही बोल सकते हैं यार अब। पर जैसा भी है यार, लाइफ है, ऐसा ही होता है लाइफ में। ठंड काफी बढ़ रही है यार, भूख भी काफी तेज लग रही है अब तो मेरे को। सुबह वैसे मैंने वेजी सैंडविच खा के आया था मैं, और रात को मैंने बिरयानी बनाई थी, तो लाया हूँ मैं बिरयानी थोड़ी सी पैक करके, सोचा था ऊपर लेके आऊँगा, अगर बारिश बंद होगी तो यहीं बैठ के खाऊँगा, बट बारिश बंद तो हुई नहीं, तो फिर अभी चलते हैं वापस, यही है बस। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कुछ अलाउड नहीं है वैसे। मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है वहां से भी हम जा सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, सिंपल प्लेन लूप्स हैं, इधर उधर इधर उधर कर्व्स बहुत ज्यादा है, इससे बढ़िया जहां से आए वहीं से चलते हैं। मैंने देखा था यार कहीं पे, मैंने वीडियो में देखा था कि जैसे कभी कुछ भी अंदर भरा हुआ होने, जब हैवीनेस फील होती है तो बस चिल्ला दिया करो बहुत ज़ोर से। कोशिश कर रहा हूँ चिल्लाने की बट आवाज़ नहीं निकल रही है भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत टाइम बाद मैं अकेले कहीं पे से आया हूँ, ऑल बाय माई सेल्फ। नेचर बेस्ट चीज़ है यार, कभी कुछ भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे हो, अपने अकेला कहीं पे आके बैठ जाओ, बहुत अच्छा फील होता है। हालांकि ये मेरी सोच है, ठीक है, मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ और टाइप से। ऊपर जाते वक्त मैंने आपको एक क्लिफ दिखाई थी जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो थोड़ी सी क्लियर अप हुई है, तो मेरे को पता नहीं है कि अगर आप देख सकते हैं पीछे का व्यू थोड़ा बहुत या नहीं, बट कुछ ऐसा दिखता है वहाँ पे, छोटे छोटे नीचे फार्म्स वगैरह, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहे हैं वो या नहीं दिख रहे हैं, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल, इट्स वर्थ। खत्म भाई, बस हो गया वाइट साइड माउंटेन ट्रेल पूरा। मैं ही सोच रहा हूँ कि घर जाने से पहले मैं जाके एक बड़ा गैलन उठा लूँगा वाटर का, क्योंकि
रहते तो वैसे मैं रेन फॉरेस्ट में हूँ, काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ का, बट आई स्टिल फील लाइक टैप वाटर सेफ नहीं है पीने के लिए। श्योर नहीं, देखता हूँ अभी, अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा उसका। मैंने बताया था ना आपको कि मैं अलग डायरेक्शन में चला गया था, जाना मेरे को कहीं और था बट मैं दूसरे रास्ते चला गया, वो रूट है उसका, देखते हैं। तो बस अभी हम इंगल्स आ गए हैं अपनी ग्रोसरी करने।